दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाले सभी फार्मासिस्ट ऑफिसर देन ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले है इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है तो so स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ केटोकोनाजोल इज इनिबिट्स अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिट्स डीएनए गायरेज इनिबिट्स डीहाइड्रोपटेर स ट्रांसलेशन मिसरीडिंग्स तो क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ केटोकोनाजोल तो केटोकोनाजोल का मैकेनिज्म इनिबिट्स अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इनिबिशन ऑफ अर्गोस्टेरॉल सिंथेस होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ केटोकोनाजोल देन ए इनिबिट्स डीएनए गायरेज मैकेनिज्म का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन शेड्यूल बी ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट नाइनटीन फोर्टी इज रिलेटेड टू रेट्स ऑफ फीस फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक एंड लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स तो क्या आता है शेड्यूल बी में तो शेड्यूल बी में आता है रेट्स ऑफ फी फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर ठीक है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए होता है शेड्यूल पी स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक के लिए होता है शेड्यूल एस लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए होता है शेड्यूल एच नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपेरेशन एक्ट वॉज पास इन दर 1950, 1955, 1960 और 1965. तो कब पास हुआ था मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट तो यह पास हुआ था 1955 में ऑप्शन बी विल बी ऑर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इथाक्राइनिक एसिड बिलोंग्स टू द्लास ऑफ लूप डायोरेटिक एसी इनिबिटर्स अल्ट्रोस्टेर एंटागोनिस्ट थायजाइड डेरिवेटिव तो किस में आता है इथाक्राइनिक एसिड तो यह आता है लूप डायोरेटिक्स में ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर इथाक्राइनिक एसिड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ लूप डायोरेटिक नेक्स्ट क्वेश्चन डेसिप्रामाइन इज मेटाबुलाइज्ड इन लीवर मेनली बाय एन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्सीलेशन बोथ ए एंड बी और अल्किलेटिंग एजेंट डेसिप्रामाइन इज मेटाबुलाइज्ड इन लीवर मेनली बाय एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एनऑक्सीडेशन डेसिप्रामाइन इज मेटाबोलाइज्ड इन लीवर बाय एनऑक्सीडेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग रेडिएशन हैज द्रेटेस्ट पेनेट्रेटिंग पावर अल्फा रेडिएशन बीटा रेडिएशन गामा रेडिएशन और यूवी रेडिएशन तो इनमें से कौन से रेडिएशन का ग्रेटेस्ट पेनेट्रेटिंग पावर होता है तो यह होता है गामा रेडिएशन का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर गामा रेडिएशन हैज द्रेटेस्ट पेनेट्रेटिंग पावर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टर्टिलिटी फैक्टर विटामिन के विटामिन ई विटामिन डी और विटामिन ए विच विटामिन इज नोन एज एंटीस्टरिलिटी फैक्टर तो एंटीस्टर्िटी विटामिन होता है विटामिन ईप्शन बी विल बी ऑर करेक्ट आंसर विटामिन ई होता है एंटी स्टर्लिटी विटामिन एंड विटामिन ई होता है अल्फा टोकोफेरॉल एंड यह एंटी स्टर्लिटी एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन होता है ठीक है विटामिन के होता है फाइलोक्यूनॉन एंड ड्यू टू डेफिशियं ऑफ विटामिन के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ऑकर्स विटामिन के डेफिशियंसी से होते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स देन विटामिन डी होता है कैल्सिफेरॉल इसका एक्टिव फॉर्म होता है कैलसी ट्रायोल एंड विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मोइटी होता है विटामिन डी देन विटामिन ए होता है रेटिनॉल एंड इसकी डेफिशिएंसी से होता है जेरोप एंड नाइट ब्लाइंडनेस एंड ब्लाइंड ओनली विटामिन विच इजरेटोजेनिक इज विटामिन ए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बीसीजी वैक्सीन शुड बी गिवन एट बर्थ थ्री ईयर्स वन ईयर और टू ईयर्स बीसीजी वैक्सीन शुड बी गिवन एट एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए बर्थ BCG वैक्सीन शुड बी गिवन एट बर्थ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोटोनिक वेहीकल यूज टू प्रिपेयर ऑप्थेलमिक बेंजालकोनियम क्लोराइड पॉलिसोर्बेट ट्वेंटी डाइक्टिल सोडियम वन पॉइंट नाइन परसेंट बोरिक एसिड तो इनमें से कौन सा होता है आइसोटोनिक वहीकल यूज टू प्रिपेयर ऑप्थेलमिक तो ये होता है वन पॉइंट नाइन परसेंट बोरिक एसिड ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ओरल वैक्सीन हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी साल्क्स वैक्सीन सेबिंस वैक्सीन तो इनमें से कौन सा है ओरल वैक्सीन तो ओरल वैक्सीन है सेबिंस वैक्सीन ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर सेबिंस वैक्सीन होता है ओरल पोलियो वैक्सीन एंड साल्क्स वैक्सीन होता है किल्ड पोलियो वैक्सीन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ मिल इज यूज फॉर ग्राइंडिंग सल्फोना ड्रग बॉल मिल कटर मिल हैमर मिल फ्लूड एनर्जी मिल तो इनमें से कौन सा मिल यूज करते हैं फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइट ड्रग तो इसके लिए यूज करते हैं फ्लूड एनर्जी मिल का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फ्लूड एनर्जी मिल एंड फ्लूड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल होता है इंपैक्ट एंड एट्रीशन ठीक है बॉल मिल का प्रिंसिपल भी होता है इंपैक्ट एंड एट्रीशन कटर मिल का प्रिंसिपल होता है कटिंग एंड हैमर मिल का प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वन टी स्पून फुल इज फिफ्टीन एम एल फोर एम एल पॉइंट जीरो सिक्स एम एल और थ्री एम एल तो कितना होता है वन टी स्पून फुल इज तो ये होता है फोर एम एल ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर वन टी स्पून फुल इज फोर एम एल नेक्स्ट क्वेश्चन ए लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज इज कॉल्ड ड्रॉट एलिगजर लिंकस कोलोडियन तो क्या बोलते हैं ए लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज तो ये होता है ड्रॉट ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर ड्रॉट होता है ए लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज एंड इसकी लैटिन टर्म होती है हॉस्टस हॉस्टस बोलते हैं ड्रॉट को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रग एडमिनिस्टर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक इज डोपामाइन एट्रोपिन डिगोक्सिन तो इनमें से कौन सा ड्रग यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक तो ये होता है डोपामाइन ऑप्शन ए विल योर करेक्ट आंसर डोपामाइन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ यूरिन इज डन विथ हाइड्रोक्लोरोजाइड फ्यूरोसेमाइड एसिटाजोलामाइड स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन तो अल्कलीन ऑफ यूरिन इज डन विथ एसिटाजोलामाइड ऑप्शन सी विल बीर करेक्ट आंसर एंड एसिटाजोलामाइड आता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबीटर में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लिविंग इज ड्राई हिट स्टरलाइजेशन मॉइस्ट मॉइस्ट्रीट स्टरलाइजेशन यूवी रेडिएशन बैक्टेसाइडल स्टरलाइजेशन तो क्या बोलते हैं स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग तो ये होता है मॉइस्ट मॉइस्ट्रीट स्टरलाइजेशन ऑप्शन बी बी विल करेक्ट आंसर स्टरलाइजेशन स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग होता है मॉइस्ट ठीक है देन ड्राई हिट स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का नेक्स्ट क्वेश्चन द एंटीफंगल ड्रग फ्लूकोनाजोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ डिन अजोल्स पायरिमेडिन एक्रिडिनस तो किसमें आता है एंटीफंगल ड्रग फ्लुकोनाजोल तो ये आता है अजोल्स क्लास में एंटीफंगल ड्रग के अजोल्स क्लास में आता है फ्लुकोनाजोल फ्लुकोनाजोल केटोकोनाजोल माइकोनाजोल क्लोटिमाजोल इट्राकोनाजोल ग्रीसिओफोलविन ये सभी आते हैं अजोल्स क्लास में एंटीफंगल ड्रग के अजोल्स क्लास में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट यूजफुल डायूरेटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ रीकर कैल्शियम स्टोन इज फ्यूरोसेमाइड स्पाइरोनोलैक्टोन हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एसिटाजोलामाइड द मोस्ट यूजफुल डायोरेटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकंट कैल्शियम स्टोन्स तो इनमें से किसका यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिकरंट कैल्शियम स्टोन्स तो इसके लिए यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हाइड्रोक्लोरोथाजाइड होता है थायजाइड डायोरेटिक एंड इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ रीकरंट कैल्शियम स्टोन्स बिकॉज थायजाइड डायोरेटिक डिक्रीज करते हैं कैल्शियम एक्सक्रीशन इन यूरिन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉमनली यूज मेडिसिन फॉर टाइफॉइड इज क्लोरोपेन एस्कॉर्बिक एसिड ए सल्फा ड्रग क्लोरोन तो इनमें से कौन सा ड्रग यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड तो टाइफॉइड के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरोमाइसेटिन ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर एंड टाइफॉइड की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है विडाल टेस्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रग यूज एज सेडेटिव एंड एंटीबायोटिक मॉर्फिन डायपैम तो इनमें से कौन सा ड्रग यूज करते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्सिस्टी इंक्रीजेस गैस्ट्रिक इिटेशन एक्टिविटी इज डिस्ट्रॉइड इन सोल्यूबल चिलेट्स इज फॉर्म्ड तो क्यों नहीं दिया जाता टेट्रा को मिल्क के साथ एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी इनसोल्यूबल चिलेट्स इज फॉर्म्ड ऑप्शन डी विल बी ऑर्यर करेक्ट आंसर टेट्रा आर नॉट गिवन विद मिल्क बिकॉज इनसोल्यूबल चिल्स इज फॉर्मड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन डज नॉट कॉज ऑस्टियोपोरोसिस फैक्टर वी इनिबिशन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्रोलगेशन ऑफ ए पीटीटी तो हैपेर क्या कॉज नहीं करा था तो हैपेर डज नॉट कॉज फैक्टर वी इनिबिशन ऑप्शन बी विल बी बीर करेक्ट आंसर डज नॉट कॉज फैक्टर वी इनिबिशन नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रग ऑफ चॉइस इन परटूसिस इज पेनीसिलिन डॉक्सिसाइकिन एरिथ्रोमाइसिन सिक्रोफ्लॉक्सासिन तो इनमें से कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होता है पर्टूसिस में तो पर्टूसिस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है एरिथ्रोमाइसिन ऑप्शन सी विल बी ऑर करेक्ट आंसर ड्रग ऑफ चॉइस इन पर्टूसिस इज एरिथ्रोमाइसिन एरिथ्रोमाइसिन होता है माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक और यह फिफ्टी एस राइबोजोमल सब यूनिट पर प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिबिट कराता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट फिफ्टी एस राइबोजोमल सब यूनिट ठीक है और इसे थियोफाइलिन के साथ अवॉइड करते हैं क्योंकि ये थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी कॉज कराता है ठीक है एंड इसका लो थेरेब्यूटिक इंडेक्स होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इन अल्जाइमर्स डिसीज विच पेप्टाइड लेवल इज एलिवेटेड बीटा एमिलॉइड अल्फा हिमोग्लोबिन अल्फा लिपोइक एसिड बीटा एलेनिन इन अल्जाइमर्स डिसीज विच पेप्टाइड लेवल इज एलिवेटेड तो इनमें से कौन से पेप्टाइड की लेवल एलिवेट हो जाती है इन अल्जाइमर्स डिसीज तो ये होती है बीटा एमिलॉइड की ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द विटामिन इनवॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन इज बायोटिन टोकोफेरॉल एस्कॉर्बिक एसिड पैंटोथेनिक एसिड तो कौन सा विटामिन रिक्वायर्ड होता है इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन तो विटामिन इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन इज एस्कॉर्बिक एसिड ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन ठीक है देन बायोटिन होता है विटामिन एच टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई एंड पेंटोथेनिक एसिड होता है विटामिन बी फाइव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लूकोकॉर्टिकॉयड्स आर इन्वॉल्व इन फैट मेटाबोलिज्म पोटेशियम मेटाबोलिज्म फ्लूड बैलेंस सोडियम मेटाबोलिज्म तो किसमें इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉयड्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन फैट मेटाबोलिजम ऑप्शन ए विल बी ऑर करेक्ट आंसर एंड ग्लूको आर दी ओनली ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप टू टाइप थ्री एंड टाइप फोर हाइपरसेंसीटिविटी रिएक्शंस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द ड्रग प्रेफर्ड फॉर प्रोफिलैक्सिस ऑफ डिपथेरिया टाइट्रासाइक्लिन एरिथ्रोमाइसिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन और अमिकासिन तो ये होता है एरिथ्रोमाइसिन ऑप्शन बी विल बी ऑर करेक्ट आंसर एरिथ्रोमाइसिन होता है माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक 50S राइबोसोमल राइबोजोमल सब यूनिट पर प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिबिट कराता है एरिथ्रोमाइसिन यह ड्रग ऑफ चॉइस होता है पलटूसिस में इसका लो थेरापटिक इंडेक्स होता है यह एंजाइम इनिबिटर होता है और इसे थियोफाइलिन के साथ अवॉइड करते हैं बिकॉज इट विल इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल ऑफ थियोफाइलिन लीडिंग टू इट्स टॉक्सिसिटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग इमिडाजोल रिंग्स इन अमाइनो एसिड्स इज पॉलिश टेस्ट मिलन्स टेस्ट फॉलिंस टेस्ट बायूरेट टेस्ट तो कौन सी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है इमिडाजोर रिंग्स के लिए तो ये होती है पॉलिश टेस्ट ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर पॉलिश टेस्ट होती है फॉर आइडेंटिफाइंग इमिडाजर रिंग्स इन अमाइना एसिड्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एन एलिमेंट हैविंग ए वाइटर रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ थारॉयड हार्मोन इज आयोडीन ब्रोमीन जिंक और क्लोरीन तो कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है इन द बायोसिंथेसिस ऑफ थायरॉयड हार्मोन तो ये होता है आयोडीन ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर एन एलिमेंट हैविंग ए वाइटर रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ थायरॉयड हॉर्मोन इज आयोडीन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनिबीटर इज एलोप्यूरिनॉल फाइसोस्टिगमाइन एसिटाजोलामाइड और कार्बीडोपा तो इनमें से कौन सा है नॉन कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनिबीटर तो ये होता है एसिडाजोलामाइड ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर एसिडाजोलामाइड होता है कार्बोनिक अनियटिस एंजाइम इनिबीटर नेक्स्ट क्वेश्चन एम आर एन ए इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस एज एस एन ओ आर एन ए टी एम आर एन ए एस सी आर एन एच एन आर एन एम आर एन ए इज़ सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस एज तो इसका हो जाएगा एच एन आर एन ए ऑप्शन डी विल ब्यर करेक्ट आंसर एच एन आर एन ए नैक्स्ट क्वेश्चन ऑक्ट्रियोटाइड इज ए लॉन्ग एक्टिंग सिंथेटिक एनालॉग ऑफ प्रोलेक्टिन ग्रोथ हॉर्मोन सोमैटोस्टैटिन गोनेडोट्रॉपिन रिलीजिंग हॉर्मोन तो किसका सिंथेटिक एनालॉग होता है ऑक्ट्रियोटाइड एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी सोमैटोस्टैटिन ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर ऑक्ट्रियोटाइड इज ए लॉन्ग एक्टिंग सिंथेटिक एनालॉग ऑफ सोमैटोस्टैटिन सोमैटोस्टैटिन होता है फोर्टीन अमाइनोपेप्ट्रियास के डेल्टा सेल से सीक्रिट होता है सोमैटोस्टैटिन और ये ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन इंसुलिन ग्लूकागोन टीएसएच थायराइड एच थारॉयड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन इन सभी को इनहिबिट कराता है कौन सोमैटोस्टैटिन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन गायनेकोमेस्टिया कैन बी ट्रीटेड विथ क्लोरप्रोमेजिन सीमेटेडिन ब्रोमोक्रिप्टिन मेटोक्लोप्रामाइड गायनाकोमेस्टिया कैन बी ट्रीटेड विथ तो गायनेकोमेस्टिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन का ऑप्शन सी विल ब्योर करेक्ट आंसर गायनेकोमेस्टिया कैन बी ट्रीटेड विथ ब्रोमोक्रिप्टिन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन an एंटी थायरॉयड ड्रग टोलाजामाइड मेथीमाजोल लिवोथायरॉक्सिन क्लोरप्रोपामाइड तो इनमें से कौन सा होता है एंटीथाइरोड ड्रग तो ये हो जाएगा मेथीमाजोल ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर मेथीमाजल होता है एन एंटी एंटीथाइरोड ड्रग देन एक क्लोरप्रोपामाइड होता है लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग होता है क्लोर प्रोपामाइड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इज क्विनेडिन ऑप्टेंट बार्क क्यूप्रिया बार्क अर्जुना बार्क और रेसना बार्क तो इनमें से कौन सा है क्विनेडिन का सोर्स तो ये होता है बार्क ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर क्विनेडिन इज ऑप्टेन फ्रॉम सिंकोना बार्क नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मॉइटी इज विटामिन डी विटामिन ए विटामिन ई और विटामिन बी वन तो ये होता है विटामिन डी विटामिन डी कंटेनिंग स्टेरॉयडल मॉइटी विटामिन डी होता है कैलसीफेरॉल इसका एक्टिव फॉर्म होता है कैलसी विटामिन ए होता है रेटिनॉल और ये टेराटोजेनिक विटामिन होता है एंड इसकी डेफिशेंसी से होता है जेरोप एंड नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ई e होता है अल्फा टोकोफेरॉल या एंटी एंटीस्टरिटी विटामिन होता है विटामिन बी वन होता है थायमिन इसकी डेफिशिएंसी से होता है बेरी बेरी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन तो इनमें से कौन सा है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ग्लार्जिन लिस्प्रो एस्पर्ट और ग्लूलिसाइन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं जिंक इंसुलिन डिग्लूडैक्ट डेटिमिर एंड इंसुलिन ग्लॉर्जिन ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर ये लिस्प्रो एस्पर्ट एंड ग्लूलिसाइन ये तीनों होते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनिल यूरिया इज मेटफॉर्मिन ग्लाइक्लाजाइड रोसिग्लिटाजोन रेपाग्लिनाइड तो इनमें से कौन सा ड्रग आता है सल्फोनिल यूरिया क्लास में हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के तो सल्फोनिल यूरियाज में आते हैं क्लोरप्रोपामाइड टोलबुटामाइड ग्लाइमिप्राइड ग्लाइपीजाइड ग्लाइक्लाजाइड ग्लाइबेनक्लामाइड सो ऑप्शन बी विल बी ऑर करेक्ट आंसर सल्फोनल यूरिया होता है ग्लाइक्लाजाइड मेटफॉर्मिन होता है बाइग्वानाइड रोसिक्लिटाजोन होता है थायजोलिडिन डायोन एंड रेपाग्लिनाइड होता है मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिस्टल यूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ क्यूनोलॉन्स एजोल्स सल्फोनामाइड्स और टैक्जोल्स तो किसका साइड इफेक्ट होता है क्रिस्टालूरिया तो यह साइड इफेक्ट होता है सल्फोनामाइड्स का ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर क्रिस्टल उरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ सल्फोनामाइड्स नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द कॉमन नेम ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग पाउडर ब्लू विट्रीओल कॉपर सल्फेट तो क्या होता है क्लोरिनेटेड लाइम का कॉमन नेम तो ये होता है ब्लीचिंग पाउडर ऑप्शन ए विल ब्योअर करेक्ट आंसर क्लोरिनेटेड लाइम होता है ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग पाउडर होता है सोडियम बाई कार्बोनेट एंड ब्लू विट्रीओल होता है कॉपर सल्फेट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कैरोटेनोइड्स आर प्री करसर ऑफ विच ऑफ दिटामिन ए विटामिन बी सिक्स विटामिन सी और विटामिन ई तो ये हो जाएगा विटामिन ए ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर कैरोटेनॉइड आर प्री करसर ऑफ विटामिन ए विटामिन ए होता है रेटिनॉल एंड डेफिशियंसी कॉजेज जेरोपथलमिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन बी सिक्स होता है पायरिडॉक्सिन देन विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन ई होता है अल्फा अल्फाटोकोफेरॉल एंटीस्टर विटामिन होता है विटामिन ई नेक्स्ट क्वेश्चन एचिलेटिंग एजेंट यूज इन द केस ऑफ पॉइजनिंग इज सोडियम फॉस्फेट डायमर कैप्रोल फेराइन बिस्मत सबनाइट्रेट तो इनमें से कौन सा चिलेटिंग एजेंट यूज करते हैं इन द केस ऑफ पॉइजनिंग तो ये होता है डायमर कैप्रोल ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर एचिलेटिंग एजेंट यूज इन द केस ऑफ पॉइजनिंग इज डायमर कैप्रोल नेक्स्ट क्वेश्चन द केलर के लिए टेस्ट स्पेसिफिक फॉर प्रोनासिन लीना मैरिन डिजिटॉक्सोस आमला तो किसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है केलर के लिए यानी टेस्ट तो ये होती है डिजिटॉक्सोस के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर केलर के लिए यानी टेस्ट होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए ये होती है डिजिटॉक्सोस के लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फाइलोक्नॉन इज अनदर नेम फॉर विटामिन डी विटामिन ई विटामिन ए और विटामिन के तो ये होता है विटामिन के विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्नॉन ठीक है विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल इसका एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सी ट्रायोल एंड विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मॉइटी होता है विटामिन डी विटामिन के होता है फाइलोक्यूनान एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के ब्लीडिंग डिसऑर्डर सॉकर्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर अर्ली मशरूम पॉइजनिंग एट्रोपिन फाइसोस्टिगमाइन एट्रीन कार्बाकोल विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज फॉर अर्ली मशरूम पॉइजनिंग तो ये होता है एट्रोपिन ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर मशरूम पॉइजनिंग में यूज करते हैं एट्रोपिन का नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एग्जीबिट्स थेरापटिक विंडो फेनोमान कैप्टोप्रिल फ्यूरोसेमाइड डाइजेपेम इमिप्रामीन ड्रग एक्जिबिट्स थेरापूटिक विंडो फेनोमान तो ये होता है इमिप्रामीन ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर इमिप्रामीन होता है ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है डेसीप्रामीन नेक्स्ट क्वेश्चन देन कैप्टोप्रिल होता है एसी इनिबीटर फ्यूरोसेमाइड होता है लूप डायोरिटिक डाइजेपैम आता है में नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग इज ए कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबीटर एसिटाजोलाइड डाइसल्फिराम फाइसोस्टिगमाइन थियोफाइलिन तो इनमें से कौन सा है कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबीटर तो कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबीटर होता है फाइसोस्टिगमिन ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ए नेचुरली अक्रिंग सिंपैथोलाइटिक इज स्ट्रिचनिन मॉर्फिन रिसर्पिन क्विनिन तो इनमें से कौन सा है नेचुरली अकरिंग सिंपैथोलाइटिक तो ये होता है रिसर्पिन ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर रिसर्पिन होता है ए नेचुरली अकरिंग सिंपैथोलाइटिक नेक्स्ट क्वेश्चन वीकली एसिडिक ड्रग्स तो क्या होते हैं वीकली एसिडिक ड्रग्स आर बॉन्ड प्राइमरीली टू अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन इन प्लाज्मा आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन अल्कलाइन यूरिन आर हाईली आयनाइज इन द गैस्ट्रिक जूस और डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर तो क्या होते हैं वीकली एसिडिक ड्रग्स तो वीकली एसिडिक ड्रग्स एक्सक्रीटेड फास्टर इन अल्कलाइन यूरिन ऑप्शन बी विल बी ऑर करेक्ट आंसर वीकली एसिडिक ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन अल्कलाइन यूरिन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सेना बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ स्क्रोफुलैरियासी बर्सेरेसी लेग्यूमिनोसी रामनेसी तो क्या होती है सेना की फैमिली तो सेना की फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर सेना बिलोंग्स टू तो द फैमिली ऑफ लेग्यूमिनोसी ठीक ओके फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू